नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वनाथ कुंडू। आप सबको हमारा जो यूट्यूब चैनल है माई क्लास, उसमें स्वागत है। तो चलिए आज का हम विषय शुरू करते हैं। आज का जो विषय है वो है क्रॉप एंड इमेज। एक इमेज को, एक पिक्चर, पिक्चर को एमएस वर्ड में कैसे क्रॉप कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। मैं एमएस वर्ड का विंडो खोलता हूँ। मेरा पहले से मैं पिक्चर को इंसर्ट करके रखा हूँ। पहले आगे का वीडियो में आप देख पाओगे कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं वो मैं दिखा चुका हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करो, इस पिक्चर को अभी क्या है सिलेक्ट किया हुआ नहीं है। आप सिलेक्ट करते ही क्या होगा, इस व्यू के बाद और एक टैब अपीयर होगा। सिलेक्ट करते ही व्यू के बाद और एक टैब अपीयर हो गया। पिक्चर टूल्स के अंडर में ये टैब आया, ठीक है। आप इस टैब में चले जाओ। चले जाने के बाद साइज ग्रुप में आ जाओ, ठीक है। साइज ग्रुप के यहाँ पे आपको क्रॉप ऑप्शन मिल जाएगा। क्रॉप ऑप्शन में क्लिक करो। क्लिक करते ही आपको ये जो क्रॉपिंग हैंडल्स है ये मिल जाएगा। इसको क्रॉपिंग हैंडल्स बोला जाता है। तो आपको जितना सा मतलब पार्ट नहीं चाहिए, मतलब अनवांटेड आपको नहीं चाहिए, तो उसको आप रिमूव कर सकते हैं, है ना। तो सपोज मुझे इस साइड का नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे पहले ऐसे था, जो इस साइड का जो इतना सा है मुझे नहीं चाहिए। नीचे से भी सपोज मुझे थोड़ा सा नहीं चाहिए, तो मैंने ऐसे कर दिया, ओके। नीचे से भी हो सकता है जनाब जरूरत पड़े, तो मैंने ऐसे इसको क्रॉप, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, फिर से आपको इसे क्रॉप बटन में क्या करना है, क्लिक करना है। तो हो गया। तो देखिए वो पिक्चर पहले कितना बड़ा था, अब क्या हो गया, ये छोटा हो गया। इसको हमने क्रॉप कर दिया। तो यही है क्रॉप एंड इमेज का मतलब। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों, तो जो मैंने समझाया। तो आज का विषय इतना दूर ही। नमस्कार।